हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आइए देखते हैं अपना अगला स्टॉक के बारे में। पांच अगला स्टॉक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक की बात करते तो देखिए 53 पैसे गिरावट के साथ 62.62 रुपये पे क्लोजिंग दिया है। तो देखा थी कि नैरो रेंज बनाते हुए सेंट्रल बैंक आ रहा, बहुत दिन से देखिए नैरो रेंज बनाते हुए ये उसी रेंज के बीच में घूम रहा। ये रेंज जब ब्रेक करके जिधर भी ब्रेक करेगा उधर बहुत तेज़ी से मूव करेगा। यहाँ पर नीचे की जो सपोर्ट जो देखने वाली है वो सपोर्ट जो आपको मिलेगी ये वाला सपोर्ट बहुत तगड़ा सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा। 55 57 के करीब में तगड़ा सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पहले रेजिस्टेंस की तरफ वर्क किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने बाद ये बार बार यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रहा था। जो भी रेजिस्टेंस रहता है वो ब्रेक करने के बाद वो सपोर्ट की तरफ वर्क करता है, सपोर्ट अगर ब्रेक कर दिया तो वो रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करता है आगे चल के। तो यहाँ पर देखिए सपोर्ट लेकर बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर 200 डेज मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है 57 का। तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर अगर इसके नीचे आ गया, 55 के नीचे आया, तो जो अगला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको ये 46 का सपोर्ट मिलेगा, 46 और 48 के बीच में। उसके नेक्स्ट सपोर्ट जो तीसरा सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 42 का। तो देखा है तो ये नीचे सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, बट ऊपर जैसे ये ब्रेक करता है कोई कैंडल और इस प्रीवियस हाई को या 2-3 हाई को ब्रेक करके ऊपर जाकर डेली कैंडल क्लोज करता है तो फिर ऊपर जाने की संभावना बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। बट जब तक इस रेंज में तब तक आप इसमें अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपको इसमें ट्रेड मिलने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे बाई करते हैं नीचे आपकी स्टॉप लॉस हिट होगा फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। एक तरह से एक रेंज को फार्म रेंज जो बनाया हुआ इसको ब्रेक करने दीजिए, या तो डाउन साइड में ब्रेक कर दे या तो अप साइड में ब्रेक कर दे, तो फिर अपना ट्रेंड डिसाइड हो जाए उसी हिसाब से हम ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे। उसमें बाइंग करना सेल करना जो भी उसी हिसाब से करेंगे। तो अभी तो इसमें इंतजार कीजिए, मिलता है अगले वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।